हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। कुरान क्विज़ 3 में मैं आपका वेलकम करता हूं और आज हम कुरान के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। कुरान मजीद के कुछ सूरे के बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी है। कुरान शरीफ के कौन से सूरह को ये कहा जाता है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी है? सूरह असर, कुरान मजीद में कौन से पैगंबर का नाम सबसे ज्यादा आया है? कुरान शरीफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा आया है। कुरान मजीद में कौन सी वाहिद खातून का नाम आया है? कुरान मजीद में बीबी मरियम का नाम आया है। कुरान मजीद में कौन से पैगंबर का नाम इनकी वालिदा के नाम के साथ आया है? कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के नाम के साथ इनका नाम आया है। अल्लाह के रसूल के कौन से इसमें मुबारक कुरान मजीद में आए हैं, यानी अल्लाह के जो रसूल है उनके कौन कौन से नाम कुरान शरीफ में आए हैं? तो कुरान शरीफ में अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसमें मुबारक आए हैं। वो कौन से वाहिद सहाबी है जिनका नाम कुरान मजीद में आया है? जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबैले बेटे भी थे, तो इन्हीं का नाम कुरान शरीफ में आया है। कुरान मजीद में कौन सी मसाजिद का जिक्र आया है? कौन कौन सी मसाजिद का जिक्र कुरान शरीफ में आया है? मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा, मस्जिद जरार और मस्जिद अक्सा, इन मसाजिद का नाम कुरान शरीफ में आया है। कुरान मजीद में कौन से परिंदों का जिक्र आया है? कुरान मजीद में कौवा, हुदहुद और अबाबिल का जिक्र आया है। कुरान मजीद की पहली सूरह कौन सी है? कुरान मजीद की पहली सूरह सूरह फातिहा है। आयतल कुर्सी कुरान मजीद के कौन से पारे में है? आयतल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में है। सूरह यासीन कुरान मजीद के कौन से पारे में है? सूरह यासीन कुरान मजीद के 22वें पारे में है। सूरह रहमान कुरान मजीद के कौन से पारे में है? सूरह रहमान कुरान मजीद के 27वें पारे में है। कुरान मजीद की कौन सी सूरह में चूटी का जिक्र आया है? कुरान मजीद के सूरह नमल में चोटी का जिक्र आया है। कुरान मजीद की आखिरी सूरह कौन सी है? सूरह नास, ये कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरह है। कौन से सूरह के नुजूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम काफिरों को इस्लाम की दावत दी? सूरह काफिरीन, सूरह काफिरीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को खुलेआम दावत दी। कुरान मजीद में कितने अंबिया इकराम का जिक्र आया है,
यानी कितने नबियों का ज़िक्र कुरान शरीफ़ में आया है? 26, 26 नबियों का ज़िक्र कुरान शरीफ़ में आया है। कुरान मजीद में नमाज कायम करने की ताकीद कितने मरतबा आई है? कुरान मजीद में नमाज कायम करने की ताकीद 700 मरतबा आई है। अब्रहा और इसके लश्कर का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरे में आया है? सूरे फील। इसमें अब्रहा और उसके लश्कर को, हाथियों को, अबाबिलों से जो अल्लाह ताला ने ख़त्म किया था, उसका ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक अहमद कुरान मजीद के किस पारे में है? 28वें पारे में, सूरह सफ की आयत नंबर 6 में। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा का वाक़या किससे बयान किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जो वाक़या पेश आया था वो किस से पेश किया या किसके सामने बात की? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज़िक्र किया। आपकी रिसालत की इब्तिदा किस सूरे के नुज़ूल से हुई? सूरह मुदस्सिर, सूरह मुदस्सर के नुज़ूल से। पहली वही के बाद वही के नुज़ूल का सिलसिला टूट गया, दोबारा वही का नुज़ूल का सिलसिला कितने अरसे बाद कायम हुआ? यानी पहली वही के बाद आने के बाद कुछ वक्त तक वही आना बंद हो गई, तो फिर बाद में वो दोबारा कब शुरू हुआ? 3 साल बाद, यानी पहली वही के 3 साल बाद दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। इस दौर को जिसमें वही नाजिल नहीं हुई क्या कहा जाता है? यानी जिस दौर, ये जो 3 साल का वक्फा गुजरा उसे क्या कहा जाता है? दौरे फितरत या दौरे फितरत इसको कहा जाता है। कुरान मजीद के नुजूल का आगाज कब हुआ? 12 कबल हिजरत, यानी हिजरत के 12 कबल। कुरान मजीद के नुजूल का आगाज किस सन ईस्वी को हुआ? 14 अगस्त 610 ईस्वी को। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।